जनाब ये खाली के चेयरमैन राजा गुलाब सिंह साहब हैं। हाल मकाम इंग्लैंड जो किसी तारों की पहुंच नहीं है। मैं अमर वीर रो रो वेलफेयर फाउंडेशन के इंतजामिया जनाब राजा बजर कदीम फ्रॉम सऊदी अरब राजा बजर नईम की तरफ से एक अभिहाग मशहूर कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बच्चों में नकली इनामात भी तकसीम किए। ये हमारे लूना राजगान के सोशल वेलफेयर शख्सियत हैं। मैं जनाब का एक बार फिर दिल की तागराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी महफिल में शामिल होकर हमारी महफिल को चार चांद लगाए और जनाब ने हमें इस प्रोग्राम के बारे में अप्रिशिएट किया और उम्मीद है कि जनाब नेक्स्ट प्रोग्राम कराने से पहले हमारी रहनुमाई करेंगे ताकि नेक्स्ट हम इनकी रहनुमाई में बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करवा सकें। हमारी दुआ है कि जनाब को अल्लाह पाक सलामत रखे और हमेशा इनका साया हमारे सर पर कैम कैम रहे। जज़ाक अल्लाह सर। आप खाली बच्चे बैठ जाओ आप क्या सुनाना आप नहीं होगी ये आ जाओ बच्चे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वा सल्लम अलैका या हबीब बेटा कुर्सी पे बैठो नहीं कुदा बैठे जी हो भाई इधर के पीछे करो इधर ना खलो अगर पीछे कट के जो मारता ना चाचू वो ग्राम उसे ले माशाल्लाह जी राजा संगीत सईद साहब की तरफ से बच्चों का इनाम मिला है जी माशाल्लाह। अभी मैं इमाम की सिफ़त सुनने वाला हूं कि बच्चा अगर किसी को इमाम की सिफ़त आता है तो अपनी आवाज सामने बच्चे बजा ले बच्चे ने हाथ खड़ा किया आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ और कोई है भी आ जाओ जिसको इमाम की सिफ़त आती है आ जाओ कोई और है जिसको इमाम की सिफ़त आती है कोई बच्चा आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये जो बच्चे अमादुल्लाह है कमा
शोर नहीं करें प्लीज, खामोश हो जाए बच्चे सारे, कोई बच्चा शोर नहीं करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبشر سيدنا الله تعالى والبعث بعد الموت कोई बच्चा सफाई के मतलब हदीस जिसको आती हो वो सामने आ जाए, या तर्जमा आता है तभी आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी चीज इस्तेमाल करके या खाकर मस्जिद में आना से मना फरमाया है? कोई बच्चा खड़ा होना है, सिर्फ खड़ा होना है। ठीक है, किसी हद तक इनका जवाब ठीक है। कोई बदबूदार चीज इस्तेमाल करके मस्जिद में आने से मना फरमाया? माशाल्लाह जी, मेरे बच्चे भी इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अगला सवाल है जी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने छोटे थे? कोई बच्चा या बच्ची जवाब देने के लिए है? कोई yes, कोई बच्चा जो इसका जवाब दे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम कोई बच्चा बता सकता है? दुआ सस्ते वो पूछ रहा है किसका, दोबारा सवाल? कोई बच्चा जी सवाल दोबारा दोहराएं जी। आपको आता है? जवाब गलत है जी। बच्चा दे रहा जी, नहीं जवाब नेक्स्ट करो सवाल। कोई बच्चा आसमानी किताबों के नाम बताना बच्चा? जिसने पहले जवाब ना दिया हो बस भाई कोशिश कीजिएगा, इधर स्टेज पे आ जाए। आज शाहबाद इस्लाम के बुनियादी रुकन कितने हैं? बताओ मिले और आप भी खड़ा कर रहे हैं, ये क्या बात? इसे पूछने को जवाब दे। कोई बच्चा दूसरे कलमे का अगर तर्जमा किसी बच्चे को आता है तो आप खड़ा करें। मतलब पता नहीं कलमे में मैं सीधा करता हूँ। पहली बार जी ये हो गया है, तो वो तो अभी तो आगे जो नहीं हो। और कोई बच्चा तीसरे कलमे का, पहले कलमे का? ईमान से क्या मुराद है बेटी? ईमान से मुराद पाक साफ रहना, काफी इसकी।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक किस खानदान से था? बनू कुरैश। बनू कुरैश। हाशमी। हाशमी है जी। किसी हद तक इसका जवाब ठीक है जी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी आसमानी किताब नाजल हुई थी? आप आज मैंने आपने जवाब नहीं दिया। गलत है जवाब। मैं जबूर। माशाल्लाह जी, इस बच्चे का जवाब ठीक है जी। आज बेटे जरा अभी मैं इन बच्चों को इनामात देने के लिए हमारे कौम का जो सरमाया है माशाल्लाह जी काफ़ी टाइम से काफ़ी अरसे से बहुत ही आला टीचिंग के लिहाज से उनका नाम माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये उस्ताद उस्ताद है। मैंने भी इनसे तालीम हासिल की है। माशाल्लाह इनका टीचिंग तरीकाकार बहुत ही अच्छा है। हम इनकी दिल की अता गहराइयों से इनके ममनून हैं, मशकूर हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब में हिस्सा लिया। मैं अंबर बिन मारूफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब राजा मोहम्मद कदीम की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं राजा महीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है। तो अगर देखा जाए तो मैं हमारा जो गाँव है लुना देशक की तालीमी लिहाज से हम काफ़ी पीछे हैं, यानी कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों में निखार कर सके और जो बच्चे काबिल हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि असल कोई भी कौम तरक्की करती है वह नारू से करती है ना गर्जू से करती है, बल्कि अगर उसमें कोई पढ़े लिखे तरीब याफ्ता नौजवान आगे आए तो वो इलाका वो गाँव वो तहसील व ज़िला तरक्की करता है। तो इन्होंने जो कदम उठाया है राज हिंसा में मैं अप्रिशिएट करता हूँ और अंदर जो भी काम करेंगे हम इनके साथ हर लिहाज से तावन करेंगे और ऐसे प्रोग्राम जो है ना वो अगर साल में एक दो दफ़ा हो जाए तो बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बच्चों के वालदैन को पता चलता है कि हमें क्या कारकर्दगी या क्या किस तरीके से हम बच्चों को जो बच्चा कर रहे हैं उसका रिस्पांस आ रहा है। तो मैं एक बार फिर राय नेम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह अच्छा अभी फिर मैं सवाल का शुरू कर रहा हूँ। कोई बच्चा मुझे गुस्ल के फराइज बता दे। उठना तो कोई बच्चा मुझे गुस्ल के फर्ज बता दे। ना 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 उसकी उसकी तरह से नहीं करा। और कोई बच्चा है इसके अलावा? कोई और बच्चा है दोनों के अलावा जो जो आप देना चाहते हो किसी को गुस्ल के फर्ज पता हो? इन बच्चे हैं जी बल्कि छोड़ नहीं लगे और देसा लगता है कि देसा ना कुछ पागल है मैं जल्दी जवाब दूँगा। बच्चे ने इतना नहीं देने लगे तीन जवाब दे बेटा जवाब दे। कौन कौन से गुस्सल के फराइज में आपसे पूछ रहा हूँ बताएं कौन कौन से जवाब। शाबाश दूसरे को देते हैं आप बैठ जाए। शाबाश थैंक यू। आवाज नहीं आ रही बेटा। और कौन है गलत जवाब है बेटा जी जी गुस्सा
गुसल के फर्ज। नेक्स्ट करें जी बेटा सुनो। तीन मर्तबा गरारे करना, नाक में तीन मर्तबा पानी चलाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। आ जाए बेटा साहब किधर आ जाए। बहुत अल्लाह जी, कोई बच्चा मुझे वुजू के फर्ज बता दे। आ जाओ, पहले तो नहीं बता सके, क्यों जी मौका। जी वुजू के पांच फर्ज है। एक हाथ तक इधर पानी चढ़ाना और कोई बच्चा खाना खाने की दुआ और खत्म इख्तिताम की भी दुआ, दोनों दुआएं सुन लिए मैंने। आज मोहम्मद आज मोहम्मद की सिफारिश चाहिए जी। आज मोहम्मद साहब खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बड़ा का तिल्ला। खाना खाने से आखिर की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब है जी। इधर आ जी प्लीज। अभी एक और सवाल पूछूंगा, कुरान पाक का सबसे पहले हाफिज कौन थे? इन बच्चियों में से सवाल पूछे जी, जो नहीं इस बच्ची ने हिस्सा नहीं लिया उससे कोशिश करें। हजरत बिलाल हबशी। गलत जवाब है जी। कोई और बच्ची या बच्चा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उस बच्ची से भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी, दोनों को आगे ले। अभी मैं इस तकरीब के मेहमान खुसूसी को दावत दूंगा, जनाब महबूब खान साहब तशरीफ लें और इनके बच्चों को इनाम तकसीम करें। जन्नत का होता है? हाथ जवाब दो वो सामने करे अनार। माशाल्लाह जी आ जाए, सही जवाब इधर आ जाए। माशाल्लाह जी बिल्कुल सही जवाब है जी। किस सहाबी के मुसलमान होने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? सवाल है जी, किस सहाबी के मुसलमान होने पर फरिश्ते भी खुश हुए थे? हजरत उमर फारूक। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है, इधर आ जाए। नेक्स्ट सवाल है, जुम्मे के रोज दो अजानें क्यों होती हैं? लोगों को खुतबे के बारे में आगाह करने के लिए। माशाल्लाह जी बिल्कुल सही जवाब है जी, आ जाए। हमारी आयतों को अल्लाह ताला के पास पहुंचाने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। उमर से पूछें जी, उमर से।
माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब है जी। इधर आ जाइए। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करने का इरादा करता है तो कौन सी चीज सबसे पहले छीन लेता है? वो बच्चा आपके सामने खड़ा है जिसने हाथ खड़ा किया, ये जो बैठा हुआ है आपके सामने, गलत जवाब है जी। कोई और बच्चा जी, आप तकसीम करें बच्चों में। अच्छा जी, इन बच्चों में नमाज तकसीम करने के लिए मैं हमारे महज़्ज़ मेहमानों में से रवेल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को दावत देता हूँ। मैं अमल बिल मारूफ वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम मेंबर, खास तौर पर चेयरमैन अमल बिल मारूफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम जनाब कदीर अब्बासी साहब के मशहूर ममनून हैं, जिन्होंने आज के मुसीबत में से कीमती टाइम निकाल कर हमारी और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की और हमारी रहनुमाई की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और मेरे छोटे बच्चों, बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जश्ने आज़ादी का दिन 14 अगस्त, जो कि पूरे पाकिस्तान में जश्ने आज़ादी के दिन के हवाले से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्ला हमें यही दर्श देता है अमर बिल मारूफ। कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक पर इश्तिहार पढ़ रहा था, तो अमर बिल मारूफ का एक इश्तिहार मैंने पढ़ा, उसके नीचे राजा नईम साहब का नाम लिखा हुआ था। तो मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई राजा कदीम साहब, जो कि यकीनन ऑनलाइन वो सुन भी रहे होंगे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया अमर बिल मारूफ फाउंडेशन के हवाले से, उनसे बात की, उनसे उनका मंशूर पूछा, तो यकीन जानो कि मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। इसी तहसील कोटा की एक जिन कौंसल पंजाड़ है, जहां इसी तरह की एक वेलफेयर ट्रस्ट चल रही है, मैं उसका चेयरमैन भी हूं। तो यकीन करो कि ऐसे प्लेटफॉर्म से ऐसी खुशी मिलती है, दिल को ऐसी तस्कीन मिलती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और मैंने नईम साहब से जब मुलाकात हुई, मैंने भी अप्रिशिएट किया कि ये प्लेटफॉर्म हर इलाके में होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यही समझो कि उनके कंधे पे जो कर्ज था, ये नौजवान वो कर्ज उतार रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप नौजवान जितने भी हैं, उनने इस प्लेटफॉर्म को कामयाब करना है, इस फाउंडेशन को कामयाब करना है। ना सिर्फ जो मैंने उनका मंशूर सुना है, जो उनका मंशूर है, मैं वही आगे बयान करना चाह रहा हूँ, उसी को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। ना सिर्फ आप लोगों ने इसको एक प्रोग्राम की हद तक रखना है, बल्कि यहाँ के इस इलाके के जो बेसहारा लोग हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है। नौजवानों के इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इन बुजुर्गों को जो तस्कीन मिलेगी, मैं समझता हूँ कि आपके इस रवैये से जो मौजूदा दौर है, इसमें यकजा जब होंगे तो इन बुजुर्गों को वो तस्कीन मिलेगी कि यही वो जानते हैं कि जो आज से 50-60 साल पहले
जैसे किसी के घर से आग मांग के लाना। आज के बच्चे को नहीं पता कि आग मांग के लाना क्या है, वो यही बुजुर्ग जानते हैं। उससे इन बुजुर्गों को यही तस्कीन मिलेगी, वो पुराने दौर में जो कच्चे मकानों के ऊपर जिनको अपनी जबान में हम लाती कहते थे, लाती डालना, वो क्या होता था? उसमें भाईचारा होता था, इत्तफाक होता था। सिर्फ एक रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता था, पूरा गांव जमा हो जाता था। लेकिन मेरे नौजवानों और बच्चों, आप लोगों ने इस फाउंडेशन को कामयाब करना है। इस फाउंडेशन को कामयाब करने के लिए सियासत से बालातर होके, काम परस्ती से बालातर होके, आपने मसलक से बालातर होके, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातर ये काम करना है। आप लोगों ने जब ये काम करना है, उसमें अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। आप इस गांव में पीटीआई के लोग भी होंगे, इस गांव में मुस्लिम लीग नून के लोग भी होंगे, इस गांव में पीपल पार्टीज के लोग भी होंगे, इस गांव में तरीके लबैक के लोग भी होंगे, लेकिन किसी भी पार्टी से वो तल्लक रखते हैं। लेकिन जब इस मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाह अकबर की सदा लगती है, तो हम जब जाते हैं तो उसी एक अल्लाह की, ये सारे पार्टियों वाले एक अल्लाह के आगे ही सजदा करते हैं। तो ये जो काम है, आपकी पार्टियां अपनी जगह हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातर मुत्तफिक होके इस फाउंडेशन को कामयाब करना है, इस फाउंडेशन को बनाना है। बेसहारा लोगों की आपने मदद करनी है, यतीम बच्चों की कफालत करनी है, उनके पढ़ाई के मामले में हर तरह की कफालत करनी है। जो बेवा हैं इस इलाके में, उनके सरों पर चादर रखनी है, यह हमारी जिम्मेदारी है, और आखिरत में भी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये जनाब, 2 से 3 दिन पहले मेरी मुलाकात वो साहब से हुई थी, तो उन्होंने भी इसकी एक लंबी तशरीह की थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई राजा कदीम साहब ने जो ये स्टेप उठाया है, उसके साथ दस्ते बाजू बने हैं राजा नईम साहब, राजा गौस साहब और देगर जो इनके दोस्त अहबाब हैं, तो ये मोहल्ले से गांव तक, गांव से ये पूरी यूनियन कौंसिल तक ये सिलसिला चलेगा, और सारे मिलके ये इस फाउंडेशन को कामयाब करेंगे। तो आज आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम किया है, यकीन करो दिली बड़ी खुशी हुई है। आज़ादी का हकीकी मानी जो है वो यही थे, ऐसा ही प्रोग्राम नकद होना चाहिए था। वो हमारे भाई थे पहले, वो अर्ज भी कर चुके हैं कि ये आज़ादी का मतलब सिर्फ वन व्हीलिंग या झंडे या बाजे ही नहीं है, असल हकीकी आज़ादी यही है। तो अल्लाह ताला आप सब भाइयों को इस फाउंडेशन में मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी।